बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए पम्पकिन की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत मज़ेदार सब्ज़ी होती है, बहुत से लोग इसको छिलकों के साथ भी पकाते हैं। मैं विदाउट छिलका पका रही हूँ, मैंने इसको छिलका उतार के वाश करके रखा है। अगर आप चाहें अगर छिलकों के साथ पकाना तो आपने इसको ज़्यादा पानी डाल के स्लो फ्लेम पर थोड़ा ज़्यादा कुक करना होगा। 1 किलो लिए है मैंने यहाँ पर ये पम्पकिन, इसको घिया कद्दू भी बोलते हैं, और ये येलो वाली लें तो ज़्यादा अच्छी होती है। 1 टीस्पून फुल जो है मैंने धनिया पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून जो है वो हल्दी पाउडर है, 1/2 टीस्पून नमक है, और 1/2 टीस्पून के बराबर ही मेथी दाना है, 1/2 टीस्पून राई है, 1/2 टीस्पून जो है कलौंजी है, 1 टीस्पून फुल जो है वो चीनी है, 1 टीस्पून फुल जो है वो कुटी लाल मिर्च है, और 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च है, 1 टेबल स्पून फुल जो है वो गूदा है इमली का, पल्प भी कहते हैं इसको लोग, इमली का बीज निकाल के पल्प निकाल लें उसके, और 4 से 5 टेबल स्पून जो है वो ऑयल है, मोटी वाली हरी मिर्चें हैं, ये मैंने 2 अदद ली थी, इनको मैंने काट लिया है, और ये 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, और 3 टेबल स्पून जो है वो बेसन है। बेसन को हम भून लेंगे अच्छे से, बेसन का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा होता है। अब एक पतीली में आपने ऑयल डालना है, ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए, ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें मेथी दाना और राई डालेंगे, तो वो थोड़ा सा कड़कड़ा लेगा, तो फिर हमने इसमें सारे मसाले डालेंगे, हल्दी मिर्चें और धनिया डलेगा इसमें सिर्फ, और फिर उसके बाद हम पम्पकिन डाल के और लहसुन अदरक भी डाल देंगे, पानी डाल देंगे, तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून ही पानी जाएगा, तकरीबन 1/2 कप से थोड़ा सा कम पानी डालें ताकि ये गल जाए इसी पानी में, लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा, और अब इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे बिल्कुल आपने इसको कुक करना है तकरीबन 10 से 15 मिनट। आप चेक कर लीजिएगा, अगर आपकी कच्ची रह जाए तो आप थोड़ा और कुक कर सकते हैं। जब तक वो कुक होती है हम बेसन अपना रेडी करते हैं। 1 टेबल स्पून ऑयल में हमने बेसन को अच्छा सा भून लेना है। इसकी भूनने के बाद इसकी बड़ी अच्छी सौंधी सी खुशबू आने लगेगी और इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो जाएगा, तो समझ लें ये रेडी हो जाएगा बेसन। अच्छा सा भून लें, बस अब ये रेडी होने वाला है। रेडी हो चुका है तकरीबन, देखें कलर चेंज हो चुका है इसका। अब सब्ज़ी को देखते हैं, देखें पानी ड्राई हो चुका है, तकरीबन ये रेडी है। अब इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे, इतने ही पानी रहने पे आपने सब चीज़ें डाल देना है क्योंकि उसको भी कुक होना है। इमली का पेस्ट डालें, हरी मिर्चें जाएंगी, चीनी, बेसन और हरा धनिया, ये सब डालने के बाद आपने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, इतना स्लो के जैसे दम रखते हैं चावलों का, इतना स्लो फ्लेम पे आपने इसको कुक ढक के कुक करना है 5 मिनट के लिए, ताकि ये चीज़ें जो हैं एक यकजा हो जाएं, इनका फ्लेवर जो है आपस में मिक्स हो जाए। 5 मिनट के लिए इसको दम पे छोड़ते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं, आप देखते हैं ये रेडी है। ये देखें बहुत अच्छी खुशबू के साथ ये डिश रेडी है। अब इसको सर्विंग डिश में सर्व करेंगे। पूरी और पराठों के साथ इसको खाते हैं तो बहुत मज़ा आता है, ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।